अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इफ्तारी में हमने बनाया था मटर कीमा गोश्त, बहुत मज़े का तैयार हुआ था। बेक पर ट्राई ज़रूर करना। मटर कीमा गोश्त बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसे हमने ब्रीक कटिंग कर ली है। अब एक पॉट में हम 1/2 कप घी ऐड करेंगे। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड करेंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। मसाला हमारा हल्का सा भून चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चीनी, 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक या फिर हसबे जरूरत। एक टेबल स्पून हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप इसकी जगह खुश्क मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें आप अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून ज़्यादा डालें। साथ ही तो हम गोश्त में कीमा ऐड करेंगे, इसे आप 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। फिर 3 पाव हमने गोश्त किया था, उसमें से 1/2 हमने कीमा बना दिया, 1/2 रसे डाल दिया। कीमा और गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम ढककर गलने तक पकाएंगे। गोश्त और कीमा 90% गल चुका है, अब हम इसमें 1 कप बटर, 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हम ढक कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें ब्रीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया और 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ जीरा और 5 से 6 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे फ्लेम ऑफ करके, फिर हम डिश आउट करेंगे। सालन हमारा बहुत मज़े का तैयार हुआ। आपने इफ्तारी में क्या बनाया था कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।